5, 4, 3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। कोरोना संकट से लड़ रहा है अजमेर, रेलवे अस्पताल के एक डॉक्टर ने बनाया डेमो। डेमो पर लगाए गए हैं कोरोना बचाव के उपाय। अजमेर जिले में 16,000 लोग होम क्वारंटाइन, बोले के सोनी। सीएमएचओ के सोनी ने की होराइजन हिंद न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत। तबलीगी मरकज को लेकर दरगाह दीवान ने दिया बयान। दरगाह दीवान ने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई। नाकाबंदी पॉइंट पर पुलिस दिखी चाक चौबंद, बेवजह घूमने वालों के काटे जा रहे हैं चालान। मुझे सिंधी पंचायत का जारी है सामाजिक सरोकार, ईदगाह क्षेत्र में लोगों में वितरित किया खाद्य सामग्री। कोरोना गाइडलाइन के तहत राशन सामग्री का वितरण, उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री का वितरण। जनधन योजना के पैसे निकालने पहुंचे लोग, बैंकों के बाहर लगी है भीड़, सुबह से लोग कर रहे हैं इंतजार। विधायक देवनानी ने लोगों को आ रही परेशानी को लेकर कलेक्टर से की मुलाकात। देवनानी ने हर एक उचित मूल्य की दुकान पर पुलिस कर्मी तैनात करने की करी मांग। रामगंज सब्जी मंडी में पसरा सन्नाटा, ज्यादा भीड़ आने की वजह से प्रशासन ने ग्राहकों की एंट्री करी बंद। सब्जी विक्रेताओं ने भी नहीं मंगवाई सब्जियां। अजमेर की जनता भी लॉकडाउन की कर रही है पालना। आज भी सुनसान दिखी अजमेर की सड़कें, अब कमांड सेंटर के कैमरों से भी रखी जा रही है नजर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com। सच के साथ।